अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ रूच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और तो चलते हैं खुशी खुशी वीडियो की तरफ। बिल्कुल। इंडिया गिव शट अप कॉल टू अमेरिका। क्या बात है, एसजे शंकर विजिट अमेरिका। तो देखते हैं, इस वीडियो को थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन देखते हैं इस वीडियो में क्या है। वो एक ऐसी कंट्री है जिनको ग्रो करना आता है, जिनको पता है कि जी हमने 47 को आजादी ली थी और हमने आगे कैसे बढ़ना है। उनको डर ही नहीं है किसी चीज का, क्योंकि उनको उनसे कुछ नहीं चाहिए, अमेरिका को अब इंडिया से काम है। आप देखिए वहां पर जितना बड़ा इन्वेस्टर अमेरिका में बैठा है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक, अमेरिका जॉनसन ना पहले दिन से चाहता है कि हर मुल्क मेरा गुलाम बन के रहे। इंडिया इस चीज को बिल्कुल तस्लीम नहीं करता। हालांकि पाकिस्तान जोन से इस टेन्योर में आके, ये जो नई गवर्नमेंट इस टेन्योर में आके तस्लीम कर चुका हुआ कि वी आर बैकर्स। शो आता है वो शार्क टैंक के नाम से इंडिया का। बिल्कुल है, वही चीज, वही लोग जो है इंडिया की इकोनॉमी भी संभाल रहे हैं। ठीक है, वही जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो उनके पास होता है, वो अपने यंगस्टर्स, जैसे अब मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास कोई बिजनेस आइडिया, मैं लेकर उनके पास जाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। बिल्कुल, पैसे वो दे देते हैं, बैठे बैठे वो आपको बिजनेसमैन बना देते, क्योंकि उनको पता है कि उनकी इकोनॉमी स्टेबल है, उनके लोग जो है पब्लिक जो सी है इंडिया के साथ है, लॉयल है। उनको अपनी बात करनी भी आती है और अपनी बात मनवानी भी आती है। यहाँ पर नौकरियां नहीं मिलती, नौकरी मिलती है तो 25 ग्रेजुएट बंदे को 25,000 की नौकरी मिलती है। 25,000 रुपए में क्या होता है आजकल, 100 यूनिट भी जले तो 4,000 रुपया बिल आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा सर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जे शंकर इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है, वहाँ पे उनका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है, जहाँ पे रशियन ऑयल परचेज करने के बारे में कोई बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप हमें ऑप्शन दें, हमें ये ना बताएं कि हम अपने कंट्री के लिए हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। मतलब इतना दबंग अंदाज, क्या कहते हैं आप? देखिए, दबंग अंदाज तो होगा क्योंकि वो एक ऐसी कंट्री है जिनको ग्रो करना आता है, जिनको पता है कि जी हमने 47 की आजादी ली थी और हमने आगे कैसे बढ़ना है। वो दबंग अंदाज में इसलिए बोलेंगे क्योंकि उनको पता है कि उनकी इकोनॉमी स्टेबल है, उनके लोग जो है पब्लिक जो सी है इंडिया के साथ है, लॉयल है, तो जाहिर बात है उनका कहना बनता भी है, क्योंकि इंडिया ने जिस तरीके से पिछले 15-20 सालों में ग्रो किया है ना, मेरे ख्याल से शायद किसी नेशन ने ग्रो किया हो। मतलब आप उनका पर कैपिटा इनकम देखें, चाइना से बेहतर होता जा रहा है। आप उनकी इकोनॉमी देखें, चाइना से बेहतर होती जा रही है। आप तक वो चाइना को बीट करने वो मेरे ख्याल से उसे जल्दी कर देंगे, क्योंकि इंडिया ने बहुत जल्दी अपने आप को ना दुनिया में तस्लीम करवाया कि भाई हम एक जो एक होता नहीं इकोनॉमिकल पावर कंट्री जो हम उसमें कंसिडर होने वाले हैं और हो चुके हैं तकरीबन। वो जिन्होंने फ्रांस जैसे, रशिया जैसे, चाइना जैसे और जापान जैसे मुल्क को आंखें दिखा दी हैं, तो अमेरिका तो क्या चीज है फिर उनके आगे। बिल्कुल सही है। इसी तरह देखें तो कुछ देर पहले, मतलब रशिया और यूक्रेन की जब वॉर हो रही थी, तब भी अमेरिका ने कहा था कि आप रशिया से ऑयल ना ले, मतलब फ्यूल ना ले, तब भी इनका यही बयान आया था कि मतलब आप हमें ऑप्शन ना दें, हमने खुद देखना है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहाँ पे है और हमने किसके साथ जाना है, आप हमारे अच्छे दोस्त बनकर सामने रहे बस। देखिए, अमेरिका जॉनसन ना पहले दिन से चाहता है कि हर मुल्क मेरा गुलाम बन के रहे। इंडिया इस चीज को बिल्कुल तस्लीम नहीं करता। हालांकि पाकिस्तान जोन से इस टेन्योर में आके, ये जो नई गवर्नमेंट इस टेन्योर में आके तस्लीम कर चुका हुआ कि वी आर बैकर्स। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उस दौरान थे, उन्होंने जाके जब इंटरनेशनल मीडिया में कह दिया कि जी बैकर्स कांट बी चूजर्स, हमारे पास उससे अलावा ऑप्शन ही नहीं थी। हम मतलब एक इमरान खान था जो कह रहा था कि जी मैं, हम किसी के गुलाम नहीं है, हम किसी का नहीं जाएंगे, एब्सोल्युटली नॉट, जिसने कह दिया। उसके फौरन बाद आपका प्राइम मिनिस्टर जाके कह रहा है जी हम बैकर्स, हमें कुछ दे दो। मैं मांगने नहीं आया लेकिन हमारी मजबूरी है। आप इस किस्म के फुदू हरकतें तो जाके इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कर रहे हो कि यार आप अपने आप को, आप ग्रीन पासपोर्ट की पाकिस्तान की क्या वैल्यू कर रहे हो? वहां पे कोई भी वैल्यू नहीं है। जो बंदा जाके इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जाके कह देता है कि भाई डीप पॉकेट्स, आज वो फॉरेन मिनिस्टर किधर है? जेल में है। और पाकिस्तान के सबसे बड़ा मसला ये कि पाकिस्तान का जो हक सच और एक सबसे बड़ी चीज जो एक स्टैंड लेगा ना कि भाई मैं अपनी कौम के लिए कुछ करके दिखाऊंगा, वो आपको जेल में मिलेगा। क्योंकि हमारे जो ऊपर के जो बंदे बैठे हैं ना, वो डिक्टेट लेते हैं अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका के बगैर किसी का भी नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? इंडिया नहीं चला रहा अपना मुल्क, रशिया नहीं चला रहा, चाइना नहीं चला रहा, जापान नहीं चला रहा, हर कोई चला सकता है। बस क्या है जी, आपको एक स्ट्रगल करनी पड़ती है, कोई 8-9 साल जो है ना आपको अपने मुल्क को लॉयल्टी के साथ देने पड़ते हैं, जो कि हमारे लोग जो है बिल्कुल नहीं दे पाते। वो कहते हैं कि जी हमें इजी एक्सेस मिल जाए, हम आईएमएफ के पास जाए, हमें कोई 15-20 मिलियन का कर्जा मिल जाए, हम यहाँ पे पेट्रोल सस्ता करें, जी वोट हमारा है। और खा का वोट आपके, आपके मुल्क में जो बच्चा पैदा हुआ वो भी कोई 15-20 हजार डॉलर का कर्ज चाहिए, वो कहाँ से आप लोन उतारोगे उसको? आप एटलीस्ट इंटरनेशनल मीडिया, चलो आप, आपका पैसे नहीं है, आप जाके ये स्टेटमेंट सुनाना दो।
इसके पीछे वजह है उनकी, क्या कहते हैं उनकी ताकत जो खुद बन चुकी है इस टाइम, चाहे वो इकोनॉमी हो या जीडीपी हो, पूरी दुनिया में इस टाइम कम्पीट कर रहे हैं। दुनिया की मेरे साथ तीसरी या पांचवी बड़ी इकोनॉमी है वो, तो वो अमेरिका को आंखें दिखा दी। अब उनको डर ही नहीं है किसी चीज का, क्योंकि उनको उनसे कुछ नहीं चाहिए, अमेरिका को अब इंडिया से काम है। आप देखें वहां पर जितना बड़ा इन्वेस्टर अमेरिका में बैठा है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब इंडिया को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, लोग कंट्रीज जो है इंडिया के पास आ रही है। ये उन्होंने उनको जो वाकई सही बात उन्होंने कही है कि जो उनको समझ में लगेगा, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, मुझे एक ऑप्शन देते हैं, मुझे समझ में लगेगी तो मैं चूज कर लूंगा, नहीं तो मैं किसी और की ले लूंगा। दोस्ती का तकाजा ही है, यही तकाजा है। तो इसी तरह उन्होंने भी यही कहा है कि भाई आप हमें ऑप्शन दे दो, हमारा मसला वो कि हमने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हुए किसको चूज करना है, कहाँ से हमने किसके साथ हमने ट्रेड करनी है जिससे हमें भी फायदा हो और उनको भी फायदा हो। ये बयान उन्होंने इसलिए दिया है ताकि जो है इंडिया का जो एक सेम लेवल बन चुका है ना, वो उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, कम्पीट करना ना इम्पॉसिबल बन चुका है। तो इस टाइम वो चाहे वो अमेरिका में खड़े हों या कहीं यूरोपियन कंट्री में, कहीं पर भी खड़े हों, चाहे वो जो सी मर्जी यूनियन में बैठे हों, उन्होंने अपनी उनको अपनी बात करनी भी आती है और अपनी बात मनवानी भी आती है। इसी तरह देखें तो ये कोई पहली दफा नहीं है, मतलब कुछ देर पहले यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही थी, उस वक्त भी अमेरिका ने इनको कहा था कि आप रशिया से जो है वो ऑयल ना परचेज करें, तब भी इनका यही बयान आया था कि मतलब हम देखेंगे हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, और हम उसके मुताबिक अपना जो है मूव ऑन करेंगे। हाँ, आप हमारे दोस्त हैं तो एक दोस्त बन कर रहे हैं, हमारे ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश ना करें। जाहिर सी बात है वो पूरी दुनिया को इस टाइम ये बयान दे रहे हैं, लोग किससे ज्यादा मतलब किस कंट्री को ज्यादा मारते हैं, अमेरिका को ही मानते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। अब वो उस कंट्री की भी नहीं मान रहे, मतलब ये पूरी दुनिया में एक पैगाम दे रहे हैं कि भाई हमसे आगे इस टाइम कोई भी नहीं है। और ये मानने वाली चीज है कि वाकई इस टाइम इंडिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है ना अपने आप को, वाकई वो आने वाले टाइम में लोग वाकई कहेंगे कि यार इंडिया जैसा कोई नहीं है। तो ये बात उनकी बिल्कुल ठीक रहती है, क्योंकि उन्होंने अपना फायदा देखना होता है, जहां पर उनकी कंट्री को फायदा होगा, जहां पर उनको फायदा होगा, वहां पर वो इन्वेस्ट करेंगे, उन्हीं के साथ ट्रेड करेंगे। 5 रुपए लिया, 2.5 रुपए आपने लगा दिए, 2.5 रुपए आपने खा लिए, क्यों खाए भी, आपके बाप का माल है, मेहनत मेरी, कमाई मेरी, मैं अपने मुल्क में वापस करूँ, आप क्यों खा रहे हो। मतलब आप सीधा साफ कह दो ना कि भाई जन हम गरीब हैं, हमारा खानदान पाल लो, ठीक है पाल लेते हैं, या तो नवाज शरीफ आके इंटरनेशनल मीडिया में स्टेटमेंट दे दे भाई, खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कहे भाई मैंने प्राइम मिनिस्टर बना दो तो मैं वोट डाल दूंगा उसको। भाई मैं क्यों वोट दूं तुम्हें, तुम्हारा जो भाई जो है शहबाज शरीफ जो है वो जाके कह रहा है कि जी बैगर्स कांड में चूजर्स, मैं मांगने नहीं आया लेकिन हमारी मजबूरी है, हम भिखारी थोड़ी है, क्या आप भीख मांग रहे हो, आप मांग रहे हो मेरे से कुछ के यार मुझे अल्लाह के वास्ते पैसे, मैंने रोटी खानी है, तो मेहनत कर रहे हैं सारे लगे हुए हैं। वो देखें आपका नुमाइंदा जॉनसन इंटरनेशनल मीडिया पे गया, वो आपकी अवाम का नुमाइंदा वहां पे, उसने आपको बताना कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, ये मेरे पाकिस्तान है, मैं इनका नुमाइंदा हूँ यहाँ पे, मैं इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारा इमरान खान गया था, मैं तो हमारा कहूंगा भाई, मेरे लिए वो खड़ा हुआ था, हमारे लोगों के लिए, हमारे गरीब तबके के लिए खड़ा हुआ था, क्या नहीं किया उसने, ठीक है जी, उसने कहा था जी हाँ मेरा इमरान खान से एक चीज का खिलाफ जरूर रहेगा, मैं इतनी नौकरियां दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो किधर है नौकरियां, कहीं भी नहीं है। अच्छा सपोर्टर, अच्छा लीडर को फॉलो करने वाला वही है। पासपोर्ट की वैल्यू बना दी थी उसने यार, पासपोर्ट की वैल्यू देखें, पासपोर्ट की वैल्यू तब होगी जब आपको, आप जब बाहर के मुल्क जाओगे ना आपके कपड़े उतार के कोई चेक नहीं करेगा। हमारा शायद खान अब्बासी में वजीर आजम था, अमेरिका गया, वजीर आजम के कपड़े उतरवाए उन्होंने, मोदी जाए हाँ उसको उतार के दिखाए कपड़े, इंडिया फाड़ के ना रख दे अमेरिका को, दो मिनट फॉरन मिनिस्टर के लिए उतारते, वो वहां पे जाके धमकियां दे रहा है, उतार सकते आप इंडिया को नहीं उतार सकते किसी से भी, आप इंडिया को क्यों निकालो, क्यों उतारोगे। इंडिया कहता है जी कि आपको चाइना से सुई जोन सी आपको 5 रुपए में मिल रही है, मैं आपको 1 रुपए में देता हूँ, दे कोई 1 रुपए में, फिर मुकाबले पे आए। पाकिस्तान को सिर्फ आता है कि जी हम बना नहीं सकते लेकिन हम खरीद तो सकते हैं ना, क्यों खरीदना भी आपका यहाँ का मुल्की मुआशियत इतनी घटिया किस्म की, आपका खेड़ा माइन जोन सी है, दुनिया की सबसे बड़ी माइन इंडस्ट्री है, माइन सॉल्ट माइन है वो, आप यहाँ से माइनिंग कर तो लेते हो लेकिन आपके पास प्रोडक्शन के लिए कुछ भी नहीं, आप इंडिया बेचते हो, आप बेचते हो उनको 5 रुपए की, इंडिया को 10 रुपए की माइन करके वापस बेचते हैं, वो अपना लेबल लगा के आगे बेच देता है। ये होती है पावर, ये होती है चीजें। हमने एक नारा एब्सोल्युटली नॉट का लगाया था, उसके बाद हमने डीप पॉकेट्स का भी नारा लगाया, लेकिन उसके बाद सफर करते करते 4 सालों के अंदर हम यहाँ पर पहुंच गए हैं कि बैगर्स कांट बी चूजर्स, ठीक है। मतलब क्या मतलब, एक लेवल था कि हमने भी अमेरिका को आंखें दिखाई, उसके बाद हमने ये स्टेटमेंट भी दी, क्या कहते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी इतनी कैपेबिलिटी है नहीं, हमारे सियासतदानों में और उनके सियासतदानों में बहुत फर्क है। आप यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का वैल्यू देख लें दुनिया में, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोदी की वैल्यू देख लो दुनिया में, ठीक है ना। आप अपने पासपोर्ट की वैल्यू लगा लो पूरी दुनिया में और उनके पासपोर्ट की वैल्यू लगा लो, वीजा नहीं मिलता हमें, तो वीजा नहीं मिलता सर। दुबई में या यूरोपियन कंट्री में जहां पर भी कोई पाकिस्तानी इस टाइम रह रहा है ना, वो अपने आपको पाकिस्तानी नहीं कहता,
बिल्कुल ये बात हमारे लिए शर्मनाक बात है, ठीक है ना। और हमें इस मोड़ पे लाने वाले कौन है, हमारे सियासतदान। हमने कुछ नहीं करना, हमने मुल्क थोड़ी चलाना है, मुल्क तो सियासतदानों ने चलाना है। हमने हम ज्यादा क्या कर सकते हैं, टैक्स दे सकते हैं, दे रहे हैं, डबल दे रहे हैं। उस टैक्स को इन्होंने कहाँ पे यूटिलाइज करना है वो इनको पता है, और ये उसको अपनी जेबों में यूटिलाइज देने के बावजूद भी हम बैगर्स कहलाए जाते हैं हमारे हुक्मरान। वही तो आपको बता रहा हूँ कि वो जो टैक्स हम देते हैं वो उनकी जेबों में जा रहा है ना। इनका एक इनका नारा है कि आवाम से भी लो और बाहर से भी लो और अपनी जेबें भरी जाओ, ठीक है ना। वहां पर लोग अब उनका एक शो आता है वो शार्क टैंक के नाम से इंडिया का, बिल्कुल है वही चीज, वही लोग जो है इंडिया की इकोनॉमी भी संभाल रहे हैं, ठीक है। वही जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो उनके पास होता है, वो अपने यंगस्टर्स, जैसे अब मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास कोई बिजनेस आइडिया मैं लेकर उनके पास जाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे वो दे देते हैं, बैठे बैठे वो आपको बिजनेसमैन बना देते हैं। उन्होंने कहा कि 2030 तक हमने कितने लाख बिजनेसमैन खड़े कर देने इंडिया में, यहाँ पर नौकरियां नहीं मिलती। नौकरी मिलती है तो 25 ग्रेजुएट बंदे को 25,000 की नौकरी मिलती है। 25,000 रुपए में क्या होता है आजकल, 100 यूनिट भी जले तो 4,000 रुपया बिल आ जाता है। 100 यूनिट भी बंदा तब बालता है यार, अली बत्ती बंद कराना तो अली बालांगा। हमारे मुल्क में से हम ये चल रहा है, तो आप किस तरह कह सकते हो कि हम दुनिया में कम्पीट कर सकते। क्या जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे आप कि एस जयशंकर जी, अच्छा देखें अमेरिका से सही मायनों में अगर अल्फाज यूज करूं तो सबकी फटती है। अमेरिका किसी भी कंट्री पे पाबंदियां लगा सकता है, ठीक है ना, किसी भी कोई भी कंट्री अमेरिका से पंगा नहीं लेता, लेकिन सिवाय इंडिया के इंडिया अमेरिका की भी नहीं सुन रहा। होता क्या है कि अमेरिका के पास है डॉलर, अमेरिका की करेंसी है डॉलर, पूरी दुनिया डॉलर पे ट्रेड करती है। डॉलर आपको कोई चीज़ खरीदनी है किसी और मुल्क से, हमारा पाकिस्तानी रुपया है वो सऊदीया की किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि वो तो रुपया है। अच्छा सऊदीया का रियाल जो वो दूसरे देश का किसी के काम का नहीं है, तो एक इंटरनेशनल करेंसी है डॉलर जिसकी वजह से ट्रेड होता है, वो अमेरिका की है। अच्छा, तो अमेरिका ने एक लॉ बना लिया कि जिसके ऊपर भी पाबंदियाँ लगा देता है कि ये ट्रेड नहीं कर सकता, अच्छा। तो उस पर वो कंट्री के लिए मुसीबत हो जाती है, तो कोई भी अमेरिका के हिसाब से नहीं चलेगा, अमेरिका उस पर पाबंदियाँ लगाएगा। तो कल ही मैं इसकी डिटेल से वीडियो देख रहा था, तो आज इंडिया के पास इतनी ताकत है या इंडिया के पास इतनी बेचने को चीज़ें हैं या गिव एंड टेक इतना इंडिया का दूसरे कंट्री के साथ करने को है कि उसे अब डॉलर की परवाह ही नहीं। बिल्कुल। और कई कंट्री तो अब इंडियन करेंसी में ट्रेड करने को तैयार हो गए हैं कि इंडियन करेंसी पे भरोसा करने को तैयार हो गए। और अब देखें अमेरिका की दादागिरी कब तक चलेगी, अब देखिए कंट्रीज़ को दुनिया को भी पता चलने लग गया कि अब हमें डॉलर के जाल से निकलना पड़ेगा, अब हम डॉलर पे ही ट्रेड ना करें, अब हम नॉर्मल दूसरी करेंसियाँ भी बीच में लाएं। तो दूसरी सबसे बड़ी करेंसी जो है या भरोसेमंद करेंसी जो है या भरोसेमंद कंट्री जो है वो इंडिया दिख रहा है। तो यही वाली बात हो रही है कि आज इंडिया इस वजह से अमेरिका से आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है कि वो इतना ताकतवर है, उसकी करेंसी इतनी स्ट्रांग है, उसके पास इतना कुछ देने को है, वो इतना कुछ बनाता है, उसके पास दुनिया को इतना कुछ देने को है कि वो दुनिया से कुछ भी ले सकता है। अगर डॉलर बीच में ना भी आए तो चीज़ के बदले चीज़ भी ले सकता है, मुझे तो ये लगता है। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं क्या कहूँगी, मुझे तो इतना पता ही नहीं होता है इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये सर मुझसे सवाल करते हैं कि घर पे जाके न्यूज़ वगैरह देखती हूँ और ये सियासत की वीडियोस देखती हूँ। मैंने कहा टाइम ही कहाँ मिलता है, जो भी देखती हूँ वो यहीं देखती हूँ, जो भी ये दिखाते हैं मुझे हैरान होने वाली बातें वो सारी यहीं होती हैं, कि मैं जो मतलब आप जो समझ रहे हैं वही मेरे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि वही उसको सोचूं, क्योंकि आप मेरे उस्ताद हैं, आप मेरे बड़े हैं, आपको नॉलेज है। मैं तो अभी आपको पता है कि स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलती नहीं हूँ कि उल्टा सीधा बंदे के मुंह से ना निकल जाए कुछ गलत वलत, जितना पता उतना ही बोलना चाहिए इंसान को ना। जैसे एक आम मिसाल ले लूँ मोहल्ले की, कि मोहल्ले में वही शख्स जो है वो किसी से पंगा ले सकता है जो ताकतवर। हाँ मैं यही कह रही थी, तो ना जाहिर सी बात है उसके पास इतनी पावर होती है, उसके पास इतना पैसा होता है, मतलब वो अमीर तरीन होता है या कुछ भी होता है, एक्स वाई जेड कुछ भी होता है, किसी टीम में होता है, किसी सियासत में होता है, तो वही अपना पावर ऊपर रखता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, या गली में कोई किसी उसमें ले लें, ये जो यूनियन टीम में बनी हुई होती है अलग अलग, तो किसी उसका बंदा होता है, जैसे MQM का हो गया, हकीकी का हो गया ना, इसको पार्टी वगैरह के जो बंदे होते हैं वो गली में अगर किसी में रह रहा होता तो उनके घर वाले ऐसे शेर हो जाते हैं कि पता नहीं क्या भाई मतलब हो गए हैं ये लोग ना, गली में पूरे हर किसी को वो करना, मतलब अपनी वो करना। तो इस वजह से मैं यही कह रही थी कि शायद उनका होगा भाई, और इंडिया तो हम देख ही रहे कि दिन ब दिन कहाँ जाता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है शटअप कॉल दिए तो किसी वजह से ही दी होगी,
किसी वजह से दी होगी, यही वजह से दी है कि आज इंडिया इतना ताकतवर है वो ही आज तो। इंडिया के पास इतनी रिसोर्सेज हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम देख रहे हैं तो वाकई मैं तो भाई इन लोगों के साथ ही हूँ, क्योंकि ये दिन ब दिन जितनी तरक्की इनकी हो रही है माशाल्लाह अल्लाह पाक, मैं तो यही बोलती कि और दे, और इनके साथ साथ पाकिस्तान वालों को भी दे, इनको भी थोड़ा सा। बारे में लोगों को बहुत फेमस है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया ही के अमेरिका ही के कहने पे चलता है। अच्छा, जैसे अमेरिका चाहता है पाकिस्तान में वही होता है, जिसकी हुकूमत अमेरिका चाहता है पाकिस्तान में वही होता है। हाँ। ये बच्चा बच्चा अब जानता है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है वो सिर्फ अमेरिका के कहने पे हो रहा है। यही इमरान खान का रोना था, यही इमरान खान अच्छा 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 हाँ हाँ कि हम गुलाम।